धारा में चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर युवा एकता सोसाइटी ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन विद्युत विभाग को सौंपा। जनपद बिजनौर की थाना सिहारा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर भेजा जेल। जनपद बिजनौर की नजीबाबाद पुलिस ने आईटी एक्ट के वांछित अभियुक्त सपा नेता फरहान को किया गिरफ्तार। धर्म विशेष पर भड़काऊ व आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। सिहारा थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ ने ग्राम कमाला स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनपद बिजनौर की हल्द्वानी पुलिस और स्वाट टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया। 12 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। चोरी की 24 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अब क्या कहूँ, कोई मानता ही नहीं। ऑफिस में रोज पूछते हैं, फेशियल करा के आई है। अब उन्हें क्या मालूम मेरा सीक्रेट। व्हाइट टोन फेस पाउडर, जिससे मुझे मिले ऑयल फ्री लुक, इवन टोन और खिला खिला निखार। व्हाइट टोन फेस पाउडर, आपका चेहरा तारीफ पाने को तैयार। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बिजनौर जिला अस्पताल में COVID-19 की RT-PCR जांच के लिए निर्मित हो रही लैब का निरीक्षण किया। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने शिवाला कला थाना क्षेत्र अंतर्गत नव निर्मित पुलिस चौकी शंभू शहर का किया उद्घाटन। चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव चौंधेड़ी निवासी युवक विवेक कुमार आर्य ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम किया रोशन। रेहट थाना क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए उपचुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस रही मुस्तैद। अफसरगढ़ थाना क्षेत्र के कादराबाद स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात महिला ARM का रिश्वत की डिमांड करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिलाधिकारी के आदेश पर प्रभारी CMO ने किया सस्पेंड।